बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब सही से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूं। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कराते रहे। अल्लाह ताला जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक नरीना ला अता फरमाए, और जिनके वालदैन फात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जिनके वालदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा एक छोटी सी गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में घंटे के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। तो वही पर रमज़ान का दूसरा शरा भी ख़त्म होने वाला और रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा इतनी जल्दी जो रोज़े वो गुजर रहे हैं। तो मेरा तो रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोगों का रमज़ान किस तरह से जा रहा है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो वही पर कल की वीडियो नहीं मैं डाल सकी, कल हमने मलाद करवाया था और हमने देग पकाई थी, चावल वगैरह जो रोज़े करवाए थे घरों में बांटे थे चावल। तो हम आप लोगों से वो वाली वीडियो कल वाली भी वो आप लोगों को आगे जाके दिखाएंगे। और आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनका कद बच्चों का नहीं बढ़ता। मैंने पहले आपको एक वीडियो दिखाई हुई, उसमें मैंने बच्चे का कद आपके आप लोगों को दिखाया कि बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे का जो कद बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, आप लोग किस तरह से जाँच कर सकते हैं बच्चे की। तो अब मैं आपको बच्चे का मुआ करके दिखाऊँगी कि बच्चे का मुआ किस तरह से किया जाता है और उम्र के हिसाब से बच्चे का मुआ कितना होना चाहिए। और अगर बच्चे का मुआ कम है, बच्चे कमज़ोर है, तो उसको फिर आप किसी करीबी डॉक्टर के पास या किसी सेंटर में लेके जाएं और इसका बच्चे का इलाज करवाएं। तो बच्चे को ऐसे मैंने सीधा खड़ा कर लिया, इसका ये बाजू जो आप लोगों ने बायां बाजू वो लेना है, तो इसको इस तरह से इसके एल की शक्ल बना लेनी है, इसकी जो शेप है वो एल एल बना लेना आप लोगों ने, इस तरह से बना लेना है। तो ये मेरे पास एक फीता है, वह मैं इससे नापूँगी, यहाँ ये कंधे पे इसको रखना है, कंधे पे रख के इसको ये कोनी तक लेके आना है। तो ये दरमियान में से आप लोगों ने इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ के तो ये जो है छोटा वाला सुराख उसमें मैं डाल दूँगी, उसमें मैंने डाल दिया। तो ये अब यहाँ मैंने इसको चेक किया है, ये तकरीबन बच्चे का जो है मुबाक तकरीबन 18 से थोड़ा सा कम है, 18 से थोड़ा सा कम है। तो बच्चे का ये मुवाक सही है, अगर बच्चे का जो मुवाक हम लोग करते हैं 12 से कम हो, 11 से कम हो, तो फिर वो उसका बच्चे का जो मुवाक कम होता है उसी उस सूरत में बच्चे का जो करीबी सेंटर से या किसी डॉक्टर से रुजू करके बच्चे का इलाज करवाना चाहिए। ये अगर मुवाक बच्चे का यहाँ सुर्ख वाले कैटागरी में आए, सुर्ख वाली कैटागरी में, तो बच्चे को शदीद गज़ाई कमी है। अगर ये येलो वाले कैटागरी में आए तो बच्चे को कुछ गज़ाई कमी है। तो अगर ये सब्ज़ वाले में आए तो बच्चे का मुवाक जो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की मैं आपको तरह तरह की आपको टिप्स भी और ट्रिक्स भी बताती रहती हूँ और बताती रहूँगी कि किस तरह से बच्चे का अगर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चे का वज़न करके भी दिखाऊँगी कि बच्चे का वज़न किस तरह से किया जाता है और कितनी उम्र तक बच्चे का वज़न किया जाता है और बच्चे का उम्र के हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए। तो अगर बच्चे के उम्र वज़न कम है तो आप बच्चे को किस तरह की ग़िज़ा वगैरह दे सकते हैं। तो अब जो कल वाली वीडियो है वो हम आप लोगों से के साथ शेयर करते हैं। कल हमने जो देख पकाई थी, फिर चावल बांट चावल हम लोगों ने बांटे थे, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी पर ये हमने देख पकाई थी, हमने ये देख पकाई थी, तो अब मैं देख पकवा ली हम लोगों ने, तो अब मैं जो चावल है वो डालूँगी उसमें, डिब्बे मैंने मंगवाए हैं तो डिब्बों में डालूँगी, और छोटे पैकेट खजूरों खजूरें मैंने मंगवाई है वो खजूरें छोटे छोटे पैकेट बनाऊँगी और लोगों के घरों में हम लोग फिर बांटेंगे। तो अब मैं डालने लगी हूँ छापर में चावल, तो अब डालते हैं हम चावल, और ये मैं चावल डाल रही हूँ डब्बों में। मैंने कहा कि वैसे जाएंगे बांटने तो फिर वो गर्म चावल है, तो इस तरह से मैंने बच्चों को भेजा था, तो मैंने कहा इस तरह से फिर वो बच्चे जो गर्म है तो फिर बच्चों से नहीं बांटे जाएंगे। तो मैंने ये डब्बे मंगवा के तो इसमें ये मैंने पैक किए और पैक करके फिर मैंने ऐसे बच्चों को रख के छापड़ में तो मैंने दे दिए, तो जो बच्चे हैं वो सारे खजूरें साथ खजूरें थी। अगर हमने कल वाली वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो ये थी हमारी जो आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहन भाई के साथ हमारी वीडियो शेयर करें।